हालेलुया सब नू जैम सी भी प्रेज द लॉर्ड। मैं आस करदा तुसी सारे ठीक हां। जिहड़ा मैं वचन तुहाडे नाल शेयर करन वाला हां इह आ कि परमेश्वर दी प्रेजेंस साडे नाल रहिंदी आ कि नहीं। बहुत सारे मैनू बिलीवर्स दा इह मैसेज आया कहिंदे कि सानूं इदां फील हुंदा कि परमेश्वर दी प्रेजेंस साडे नाल नहीं आ, कि पहला असीं बड़े वधिया सीगे, अचानक पता नहीं की होया सानूं इदां लगन लग पिया कि प्रभु दी प्रेजेंस साडे नाल नहीं आ। सो मैं तुहाडे उस क्वेश्चन दा आंसर देण वाला एंड ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੀਏ, कि पाप की साढ़े ते जरूरत हो पाप दे विच फसे रहिए। यह सोचता है कि प्रभु की प्रेजेंस कभी सानूं छड़दी नहीं है। हालेलुया। सब तो पहली आयत जी मैं शेयर करने वाला खुद यीशु मसीह ने कही हुई है, मैं तुहाडी पिछली मीटिंग च भी तुहाडे नाल शेयर की, जिस मैं लिखा सीगा हू इज होली स्पिरिट, उहदे विच मैं तुहाडे नाल शेयर किया। बट मैं इहदा अलग टॉपिक इस नाल इसलिए तुहाडे नाल शेयर कर रहा ताकि तुसीं समझ सको एक वधिया तरीके दे नाल कि परमेश्वर कभी भी सानूं छड़दा नहीं है। हालेलुया। सो लेट्स गो। वचन विच लिखिया पहला पढ़ लगा यूहन्ना 14 उहदा 14 चैप्टर उहदी 16 नंबर आए जोन 14:16 कहिंदा एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर। कहिंदा मैं पिता दे अग्गे प्रार्थना करूंगा जो मददगार तुहाडे लई भेजूगा जो हमेशा तुहाडे नाल रहूगा। इह वचन तुहाडे नाल पहला वी शेयर कीता होया, इह सिर्फ एक रेफरेंस मैं तुहानूं इस लई दे रिहा ताकि तुसीं समझ सको कि आयत दा मतलब की आ, कि परमेश्वर कहिंदा कि मेरा दूजा मददगार ना पिता वल्लों तुहाडे लई भेजूंगा, हमेशा तुहाडे नाल रहूगा, विल बी विद यू फॉरएवर। हालेलुया। हमेशा का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब यह नहीं कि तुसी प्रार्थना करे प्रभु का आत्मा आया एंड बस ठीक है एंड बाद तुसी सोचते कि ओके वचन पढ़िया प्रभु का आत्मा की प्रेजेंस फील हुई। नो, उसकी प्रेजेंस हमेशा तुहाडे नाल आ। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना, मैं काम ते सीगा, ये निक्के निक्के चीजा जिदा प्रभु सानूं सिखांदा रियलाइज कराने दे लई कि उहदा आत्मा हमेशा साडे नाल आ। मैं काम ते सीगा, एक दिन की होया कि मैनूं एक ब्रदर का मैसेज आया एंड इट वॉज 6 o'clock 6 o'clock सीगे शामा दे एंड मैं सोचा कि मेनू परमेश्वर मैं इहदे बारे क्यों सोच रहा, मतलब उहदा मैसेज मैं पढ़िया नहीं सी हले पर मेरे दिमाग दे विच पवित्र आत्मा ने मैनू दस्या कि ओके तैनू उह मैसेज कर रहा। मैं की कीता, मैं कहा ओके परमेश्वर कोई गल नहीं, मैं चैक करदा। मैं 15 मिनट बाद ब्रेक लैण गया, मैं चैक किया, उसे ही टाइम ते उहदा मैसेज आया हो सीगा। सो इहदा कहण दा मतलब कि प्रभु का आत्मा, बेशक मैं कम कर रहा सी तां वी मेरे नाल सी, प्रभु का आत्मा तां वी मेरे नाल गल कर रहा सी भावें मैं कितें कम दे विच सीगा। हालेलुया। सब तो पहली गल जी मैं तुहानूं दसना चाहना, अज असीं पवित्र आत्मा नूं नाराज कर दिंदे आ। पवित्र आत्मा भी साडे वांगू फील करदा जिदां उह परसन आ उहदी, ठीक है। हुण देखो कोई इंसान आ, आपां नूं की कहिंदे, आपां नूं इह कह दिंदे कोई गल कहिंदे उहनूं हर्ट हो जांदी आ, उहनूं परसन नाराज हो जांदा, गुस्से हो जांदा। परमेश्वर दा आत्मा भी इसे तरह उह जेंटलमैन आ, उह खड़ा तुहाडी वेट करदा रहिंदा कदों तुसीं उहनूं बुलाओ, ते उस हमेशा तुहाडे नाल आ। वचन लिखिआ पौलुस ने कहा, कहिंदा पवित्र आत्मा नूं अपणी अगवाई दे लई आग्या दिओ, कॉल करो उन्हें पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो वचन मैं तुहानूं हुणे शेयर कीता, एक मैं होर पढ़ना चाहना जिथे असीं इह पढ़ांगे कि असीं उहदी आत्मा नूं नाराज नहीं करना। अफसियां चैप्टर नंबर 4 उहदी आयत नंबर 30, एफेसियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 30 की लिखिया, कहिंदा एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय होम यू वर सील्ड फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। असीं पवित्र आत्मा दे नाल सील कीते गए आ। हालेलुया। सील करन दा मतलब जिदां तुसीं फॉर एग्जाम्पल कोई बोतल आ, जिदां कि आह बोतल आ, जो असीं बोतल नूं खोलदे आ इहदी सील होई हुंदी है इहनूं खोलण तों पहलां। कहण दा मतलब असीं कनैक्ट कीते गए, पवित्र आत्मा असीं जोड़े गए आ परमेश्वर दे द्वारा। हालेलुया। सो अज परमेश्वर ने सानूं पवित्र आत्मा दे नाल सील कीता तां कि वचन दे की लिखिआ, तां कि कहिंदा उस रिडेम्पशन वाला दिन, मतलब आजादी वाले दिन असीं परमेश्वर दे नाल होईए, परमेश्वर दे उस दिन नूं देख सकीए। हालेलुया। सो कहण दा मतलब कहिंदा उहदे आत्मा नूं नाराज ना करो। सो कहण दा मतलब कई वारी इदां हुंदा जदों असीं उहदी आत्मा नूं नाराज कर दिंदे, कदों वचन विच लिखिआ शरीर आत्मा दे विरुद्ध आ, आत्मा शरीर दे, जदों असीं शरीर दी आवाज़ नूं सुणदे असीं आत्मा नूं नाराज कर दिंदे। बट इहदे विच तुहानूं मैं गल होर दसणा चाहुंदा कि उहदा आत्मा तुहानूं छड्डदा नहीं आ, बट मैनीफेस्टेशन नहीं हुंदी तुहाडी जिंदगी च। हुण क्वेश्चन आ कि मैनीफेस्टेशन की आ, मैनीफेस्टेशन दा मतलब ज़ाहर होना। जदों हुण कई कहिंदे कि उहदी प्रेजेंस मेरे कोल क्यों चली गई, की इदां दा होया, इदां दा की होया, मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं कुछ ऐदां दा कीता जिन्ना तुसीं उहनूं नाराज करता, इस करके तुहानूं फील होया कि उहदी प्रेजेंस तुहाडे नाल नहीं है। हालेलुया। तुसीं शरीर दी आवाज़ नूं ज्यादा सुनिया कि तुहानूं आत्मा दी आवाज़ सुननी घट हो गई। सो इस करके ध्यान रखो कि शरीर दी गल्लां ते ध्यान नहीं लाना, आत्मा दीआं गल्लां ते लाना।
इस लिए वचन दे विच लिखिया कि जेड़ी चीज दे उत्ते तुसी काम करदे जेड़ी चीज नूं ज्यादा करदे आ ओ चीज दे विच तुसी परफेक्ट होने आ। सो जे तुसी आत्मा दे विच ज्यादा मेहनत कर रहे हो तुसी आत्मा च इन्ने परफेक्ट होंगे कि तुहानूं क्लीयर एक लाउड आवाज ऑडिबल आवाज परमेश्वर दी सुनोगे। हालेलुया। मैं तुहानूं एक होर दृष्टांत दसदा। विजन आ मेरा, मैं बैठा सीगा ते मैनूं, मैं बैठे बैठे प्रेयर कर रहा, मैनूं एक आवाज आई जोर ना, कोई 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 परमेश्वर ने साइन दिता है ना, कोई सीगा मैं शेयर नहीं कर सकता, बट कुछ इदा का सीगा, मैनूं आवाज आई एंड परमेश्वर ने आवाज आई जो मैं जो उठ के बैठा तो मैं रियलाइज होया मैं आवाज परमेश्वर की एड्डी ऑडिबल सी कि मैं सुनी एंड आवाज ये सी कि तेरे दूत तेरे लिए परमेश्वर ने भेजे एंड उन्होंने तो अपने लिए कमांड करके तेरे लिए काम कर। हालेलुया। सो कहने का मतलब जेडी चीज तुसी मेहनत करोगे उस चीज च परफेक्ट होंगे। सो जे तुसी आत्मा के गल्लां वल ध्यान ला रहे हैं तुसी आत्मा की आवाज सुनने च परफेक्ट होंगे। तुसी दी प्रेजेंस दे विच हमेशा हमें जद कि उहदी प्रेजेंस हमेशा तुहाडे नाल आ पर तुसी उहनूं महसूस कर पाओगे, तुसी उहनूं देख सकोगे कि उह तुहाडे नाल आ कि उहदी प्रेजेंस तुहाडे नाल आ। हालेलुया। एंड सब तो वड्डी गल उहदे वचन नूं पढ़ना कदी ना छड्डो, इहदे विचों ही तुसी इहनां भेतां नूं सिख सकदे जिहड़ा परमेश्वर मैनूं सिखा रिहा, जिहड़ा मैं तुहानूं दस रिहा। हालेलुया। सो इस करके याद रखो इस गल नूं कि परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा असीं इहनां सारियां चीजां दीआं गहराइयां दे विच जा पाउंदे आ। हालेलुया। सो हुण मेरा विश्वास है कि तुसीं इस चीज नूं समझ पाए कि उहदी प्रेजेंस हमेशा साडे नाल आ, पर एक गल याद रखो उहदी प्रेजेंस इहदा नाल होण दा मतलब कि उह हमेशा साडे नाल आ, सानूं छड्डदा नहीं आ, पर मैनीफेस्टेशन नूं बंद हो जांदी। मैनीफेस्टेशन दा मतलब उह जाहर नहीं हुंदा। हालेलुया। इस करके जे तुसीं चाहुंदे आ परमेश्वर दी अनॉइंटिंग उहदी प्रेजेंस साडे दे जाहर होवे तां आत्मा दीआं गल्लां दे उत्ते मन लाओ, आत्मा दीआं गल्लां ध्यान लाओ। देखो तुसीं वचन नूं पढ़ो, अज गूगल ते सारा कुछ अवेलेबल आ, जाओ गूगल ते सर्च करो जिहड़ी चीज दी तुहानूं लोड़ आ, तुसीं वर्स नूं सर्च करो, उत्थे उत्थे जाके तुहाडी वर्सेस निकल आणियां। तुसीं वचन दे उत्ते मना कर सकदे आ परमेश्वर दी आवाज नूं सुनण दे लई। सो जिन्ना तुसीं वचन दे वल फोकस करोगे, जिन्ना वचन दी गहराई दे विच आओगे, उन्ना ही आत्मा दीआं गल्लां वल तुसीं ध्यान लाओगे ते आत्मा दी आवाज नूं सुन पाओगे, उहदी प्रेजेंस नूं हमेशा फील कर पाओगे। हालेलुया। सो मैं एंड दे विच तुहाडी प्रार्थना करना चाहना एंड मेरा विश्वास आ जब तुसीं इस प्रार्थना नूं रिसीव करन वाले परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छूण वाला एंड अज तो बाद जे तुहानूं लगदा सीगा कि परमेश्वर दा आत्मा नूं मैं नाराज कीता तां परमेश्वर इस प्रार्थना दे द्वारा तुहाडे तुहानूं ब्लैस करन वाला एंड फिर तो तुसीं एक परमेश्वर दे नाल एक रिश्ते दे विच जाण वाले यीशु मसीह दे नां दे विच। हालेलुया। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे लई फादर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करदा पिता जिन्हें लोग मैं देख रहे हैं मैं उन्होंने ब्लैस करता यीशु मसीह के नाम के। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी तेरी अनॉइंटिंग तेरी कृपा की हेठा बड़े रहने मेरे सामर्थी पिता। मैं एक भैन देख रहा जेड़े जेड़े एक बड़े वधिया परमेश्वर के आत्मा के नाल सीखने के रिलेशन के सके एक अनॉइंटिंग हेठ सके बट कुछ होया कि तुसी उस अनॉइंटिंग तो दूर हो गए, तुहाडी लाइफ च कुछ होया कि तुसी पिछे हट गए एंड मैं प्रार्थना कर रहा यीशु के नाम च तुसी उठो ते वापस खड़े हो और परमेश्वर के कामों को तुसी करने तैयार यीशु मसीह के नाम के। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करदा तू मेरी प्रार्थना नूं सुनिया एंड अज तो बाद यह तेरी कृपा दे तेरी अनॉइंटिंग दे बने रहण अड़े ते खड़े रहण मेरे पिता। थैंक यू प्रभु तू प्रार्थना नूं सुनिया यीशु मसीह दे नां दे विच असीं मंगदे आं आमीन। सो कहण दा मतलब याद रखो उहदी अनॉइंटिंग उहदी प्रेजेंस हमेशा तुहाडे नाल आ पर जिन्ना चिर तुसीं उहनूं अलाउ नहीं करदे तुहाडी जिंदगी च कम करे उह नहीं करदा परमेश्वर आत्मा एंड उहदे आत्मा नूं दुखी नहीं करना। जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया एक इंसान दीआं फीलिंग्स आ, उह परमेश्वर आत्मा वी इक जेंटलमैन आ, उहनूं वी फील हुंदा जो तुसीं उहनूं नाराज करदे आ, उन्होंने नाराज ना करो बट उसकी आवाज नु सुनो एंड उसके पीछे चलो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जल्दी मैं फिर प्रभु का वचन लेके तुम मिलूंगा। आई थिंक वेनसडे बुधवार को याद रखना मैं तुम मिलने वाला प्रभु की अनॉइंटिंग दे विच प्रभु की प्रेजेंस दे विच एंड उस दिन मेरा विश्वास है प्रभु तुम्हारी जिंदगी च अद्भुत काम करने वाला। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैं चाहना शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के नाल हर एक के नाल। गॉड ब्लेस यू। आमीन।